नमस्कार, सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉक्स में। एक सुंदर सी फीमेल हथेली, आप महिला जातिका हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। एक चीज़ देखिएगा, आपका जो ये जुपिटर का माउंट है उस पे जो उंगली है, इसको हम क्या कहते हैं, तर्जनी की उंगली, इंडेक्स की फिंगर। इसका झुकाव अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ कह रहा है। ये किस तरफ झुक रहा है, आपका जो शनि पर्वत है और उस पे जो उंगली है जिसको हम मिडिल फिंगर कहते हैं, उसकी तरफ झुक रहा है। और ये कर्म को देखता है और ये धर्म को देखता है। जब धर्म कर्म के अनुसार चले या कर्म धर्म के अनुसार चले तो ये श्रेष्ठता प्रदान करता है। माने तीन चार चीज़ें आपके अंदर बहुत अच्छी रहेंगी। एक तो धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी जीवन भर, और ईश्वर में बड़ा विश्वास रहेगा। अपना जो आराध्य देव हैं उनके प्रति पूर्ण समर्पण की भावना रहेगी। जीवन में कैसी भी परिस्थितियां आ जाएं, लेकिन ईश्वर से विश्वास नहीं डगमगाएगा, पूर्ण विश्वास बना रहेगा। और इंसानियत का जो एक खूबसूरत गुण है, बहुत खूबसूरत जिसको कहते हैं, वो है दया की भावना, करुणा की भावना। ये जीवन भर आपके व्यक्तित्व का एक हिस्सा रहेगा, ठीक है ना। आपके व्यक्तित्व को कभी भी जो है निष्ठुरता है, क्रूरता है और खड़ूसपन है, ये चीज़ें नहीं छू पाएंगी। और इन विशिष्ट चीज़ों को, इंसानियत के सर्वोच्च गुणों को आप अपनी आने वाली आगे की पीढ़ियों को भी ट्रांसफ़र करेंगे। और आपके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर आसपास के जो अच्छे लोग हैं वो भी आपसे कुछ विशिष्ट चीज़ें सीखेंगे और कहीं ना कहीं अपने जीवन काल में उतारेंगे। दूसरी बात, यहाँ पे देखेंगे आपकी जो ये तर्जनी उंगली है, ये जो सूर्य की उंगली है जिसको हम क्या कहते हैं, रिंग फिंगर, इससे बड़ी है। और आपकी जो ये मिडिल फिंगर है इससे छोटी है, ये भी एक बहुत श्रेष्ठ चीज़ है, बड़ी खूबसूरत चीज़ है। ऐसे व्यक्ति विनम्र होते हैं, झुका हुआ, सत्ता को संभालने और दूसरों को नियंत्रित करने में काफ़ी माहिर ये लोग होते हैं। आपके अंदर ये शानदार क्वालिटी है। ऐसी जातिका कार्यकुशल होती हैं, व्यवहारिक होती हैं, स्वाभिमानी होती हैं, और ऐसे लोगों के लक्ष्य हमेशा ऊंचे होते हैं, जिनके कारण ये अपने जीवन काल में बहुत बड़ी सफलता को हासिल करते हैं, बहुत बड़ी कामयाबी को हासिल करते हैं। तो ये एक बहुत शानदार गुण आपके अंदर है और वास्तव में विशिष्ट गुणों से ओतप्रोत आपकी हथेली है। एक कमी 35वें वर्ष तक आपके जीवन काल में रहेगी और एक कमी जीवन काल के 38वें वर्ष तक आपके जीवन में बनी रहेगी। क्या रहेगी? एक तो देखिएगा, इन दोनों उंगलियों के बीच में यहाँ पे गैप है, पूरी तरह से आर पार दिखाई दे रहा है। तो धन के मामले में जीवन काल के 35वें वर्ष तक तीन चीज़ों में से एक चीज़ रहेगी, या तो धन के मामले में संघर्ष की स्थिति रहेगी, या आपका खर्चेला स्वभाव बहुत ज़्यादा रहेगा, या आप धन के महत्व को समझ नहीं पाएंगे। इन तीन चीज़ों में से एक या दो चीज़ रहेगी। हालांकि 36वें वर्ष तक से ये चीज़ें आपके जीवन में नहीं रहेंगी। दूसरी चीज़, यहाँ पे जिस प्रकार से ये अंगूठा है, ये आपकी बुद्धिमत्ता को दिखाता है, एक बहुत अच्छी नॉलेज को दिखाता है, और उस नॉलेज को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे जीवन में ये दिखाता है। और उससे कहीं ना कहीं समाज आपके ऊपर अट्रैक्शन की भावना रखेगा, मनी काफ़ी प्रभावित आपसे होगा, ये चीज़ भी दिखाता है। लेकिन ये कहीं ना कहीं 38 या 40वें वर्ष तक जीवन काल में
संघर्ष भी बनाए रखेगा। और आपने इस दौरान यदि जल्दबाजी में, भावनाओं में आकर और उतावलेपन में बड़े निर्णय ले लिए तो धन हानि भी होगी। और अगर एक अच्छे समय आने से पहले ही 38 या 40 के पहले ही अगर आप बिजनेस करें तो बड़ा सोच समझकर आपको करना होगा। ये व्यापार में हानि को दिखाता है, ठीक है ना। और व्यापार यदि बहुत ज़रूरी हो करना, ध्यान रखें, चाहे अपना ही सगा कोई क्यों ना हो, उसके साथ भी साझेदारी में व्यापार न करें। अगर करना हो तो खुद व्यापार करें, साझेदारी में कभी मत करें, पार्टनरशिप में नहीं करें, ये इसका ध्यान रखें। दूसरी चीज़, खूब मेहनत के बाद ही आपके पास जीवन में धन आएगा, और ख़ासकर जीवन में धन कमाने की स्थिति थोड़ी सी लेट आएगी। बहुत अच्छा धन 38वें वर्ष या 40वें वर्ष के बाद आपके जीवन में आने बैठेगा, और ज़्यादा संभावना 38 के बाद है, 38वें के बाद, ठीक है ना। अच्छी स्थिति आने बैठ जाएगी, और 40वें के बाद कहीं ना कहीं जो है आपके जीवन में पूरी तरह से स्थिरता, अस्थायित्व, चाहे धन हो, चाहे करियर हो, चाहे सामाजिक जीवन हो, चाहे पारिवारिक जीवन हो, सब में पूर्ण स्थिरता आने बैठ जाएगी और आपके व्यक्तित्व एक शानदार रूप में उभरने बैठ जाएगा। सॉरी, ठीक ये यहाँ पे दिखाई दे रही। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिए, ये शुक्र आपका स्पष्ट बता रहा है कि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे कहीं ना कहीं जो पेट का दर्द है, घुटने का दर्द है और कमर की जो प्रॉब्लम है, साठिका की प्रॉब्लम, इसकी संभावनाओं को ये बढ़ाएगा। तो इसकी संभावनाओं को बढ़ाने का मतलब है चीज़ों में कुछ ऊपर नीचे करेगा। तो इसको ठीक रखने के लिए आपको नियमित रूप से योगा है, प्राणायाम है, ठीक है ना, और मेडिटेशन है, इन चीज़ों को जरूर करना है। तो ये चीज़ें नहीं उभरेंगी, आपके जीवन में शानदार चीज़ें लाएंगे, ठीक। अब एक मुख्य प्रश्न है शादी का। देखिएगा यहाँ पे आपका बृहस्पति मुख्य रूप से और शुक्र यहाँ पे मुख्य रूप से इन चीज़ों की ओर ले जा रहा है। बृहस्पति कहीं ना कहीं जिस रूप में इसने एकदम शानदार स्थिति में रहना है वो नहीं है यहाँ पे, ये थोड़ा साधारण से साधारण अवस्था में बैठ गए हैं और इस अवस्था में ये आपके अंदर भी साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व की ओर आपको ले जा रहे हैं। लेकिन इसने अपना मूल स्वरूप को नहीं बदला है, जो नेचुरल स्वभाव है उसके कारण कहीं ना कहीं आपका हसमुख स्वभाव रहेगा, आपके अंदर दया की भावना, करुणा की भावना रहेगी और दूसरों की मदद करने की भावना भी बहुत ज़्यादा रहेगी, करेंगे भी, आर्थिक पक्ष भी लगभग ठीक ठाक रहेगा। लेकिन यश की प्राप्ति के लिए मन में झुकाव बना रहेगा, स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाले होंगे, खासकर शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है और कानून का क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में काम करने की सोच रहे हैं या काम कर रहे हैं, तो जो तरक्की मिलनी चाहिए, जो कामयाबी मिलनी चाहिए, अभी जब तक बृहस्पति कमज़ोर हैं ये चीज़ें साधारण रहेंगी। तो अभी से शुरू हो गए हैं शादी के योग और 2024 के दिसंबर तक स्पष्ट बने हुए दिखाई दे रहे हैं। खूब मेहनत करें और मैं एक शानदार उपाय दे रहा हूँ, उसको जरूर करें। अगर आप इन चीज़ों को करते हैं तो निश्चित ही भगवान ने चाहा तो दिसंबर 2024 तक आपकी शादी निश्चित रूप से हो जाएगी, कोई चिंता की ज़रूरत नहीं रहेगी। इसको ज़रूर करें और इसका फल पाएं, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखेंगे कि बृहस्पति, और एक चीज़ और करें, किसी बृहस्पतिवार को केवल एक बार ये चीज़ करें, उसके बाद उपाय दूंगा वो ज़रूर करें। ऑडियो के माध्यम से उपाय दे रहा हूँ या लिख के दे रहा हूँ।
किसी बृहस्पतिवार को जो आपके कुल पुरोहित हैं या जो कर्मकांडी पंडित हैं आपके घर में पूजा वगैरह करने आते हैं या आप किसी मंदिर में पूजा उनसे करवाते हैं, तो एक पीला कुर्ता अच्छी क्वालिटी का हो, पहनने लायक हो, बहुत अच्छी उसकी क्वालिटी हो, एक बार ही देना है। और एक पीली धोती, अगर धोती पीली ना मिली सफ़ेद चल जाएगी, उसकी किनारी जो है पीली होनी चाहिए। और एक पीला लिफाफे में यथा अनुसार जितनी आपकी सामर्थ्य हो उसके अनुसार कुछ दक्षिणा रख के, और बृहस्पतिवार को ये कन्या अपने कुल पुरोहित को या कर्मकांडी पंडित को दान करें और उनके चरणों में झुक जाएं और उनका आशीर्वाद लें, तो आपका बृहस्पति निश्चित तौर पे उभरेगा और अच्छे फल देगा और शादी के बहुत सुंदर योग बनाएगा। और दूसरा मैं एक शानदार उपाय दे रहा हूँ, उसको भी ज़रूर करें, आपको लाभ होगा। अब यहाँ पे देखिएगा आपका शुक्र, शुक्र आपका बलिष्ठ है, शानदार अवस्था का है, लेकिन बृहस्पति के कमज़ोर होने से शुक्र का वो फ़ायदा आपको नहीं मिल पा रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे वर्टिकल रेखाएं जमा हो रही हैं लेकिन स्पष्ट नहीं दिख रही है, लेकिन फिर भी इसका प्रभाव जीवन में रहेगा। क्या रहेगा? कार्य के प्रति जुझारूपन रहेगा। जिस कार्य को एक बात हाथ में ले लेंगी, जब तक पूरा नहीं होता तब तक छोड़ेंगे नहीं, और जैसे जैसे कार्यों का एक्सपीरियंस बढ़ेगा, अनुभव बढ़ेगा, वैसे वैसे उसमें प्रवीणता हासिल होगी, आपका पद बढ़ेगा, आपका वर्चस्व बढ़ेगा और आप अपने जीवन काल में एक शानदार कामयाबी पाएंगे, ये दिखाई दे रहा है। अब दूसरी ये बता रहा है कि घूमने फिरने के भी बहुत ज़्यादा शौकिया रहेंगे, और ख़ासकर अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा रहेंगी। नई चीज़ों के प्रति भी रुझान बना रहेगा, चाहे नई प्रकार का फैशन हो, नई प्रकार के कपड़े हो, नई प्रकार की टेक्नोलॉजी हो, भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ भी आपका आकर्षण रहेगा, चाहे लग्जरी जीवन हो या अल्ट्रा लग्जरी जीवन हो। तीसरी बात है, कहीं ना कहीं देखिएगा ये शुक्र बहुत बड़ा मायने रखता है, लेकिन इसके साथ बृहस्पति का पुष्ट होना बहुत ज़रूरी है। शुक्र कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है और एक सुखद जीवन शुक्र है, लेकिन बृहस्पति कमज़ोर हो तो ये चीज़ें उलट हो जाती हैं। आपकी हथेली में शुक्र सुंदर रूप में उभरा हुआ है, तेजोमय अवस्था में है, ठीक है ना, आपको ये तेजस्वी बना रहा है। निश्चित ही जीवन में बृहस्पति के पुष्ट होने पे आपका तेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, एक शानदार व्यक्तित्व निर्माण ये देगा करेगा, चेहरा भी बहुत सुंदर रहेगा, और जो सुंदरता है, जो आकर्षण है आपके अंदर हमेशा बना रहेगा। हर परिस्थिति को हंसते हंसते झेलने की ताकत ये देगा, हैंडल करने की ताकत ये देगा, ऐसा शुक्र आपका शानदार स्थिति में है। आगे चलकर, और ये चीज़ ज़्यादा दूर नहीं, अगर आप देखेंगे तो जीवन काल के 38 ईयर से जीवन में इसका ज़बरदस्त प्रभाव पड़ना शुरू हो जाएगा, कहीं ना कहीं ये ग्लैमर देगा। पहले तो 36वें वर्ष से देना शुरू कर लेगा, लेकिन 38वें वर्ष से ज़्यादा हावी दिखाई देगा, ये ग्लैमर दे रहा है, चकाचौंध दे रखा है, यश दे रहा है, ठीक है ना, और कहीं ना कहीं प्रसिद्धि को भी देता हुआ दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छा शुक्र है आपका। अब अभी की स्थिति देखें तो शुक्र में जाल बन रहा है, और ये स्त्री कारक ग्रह है, मैरिटल लाइफ का मालिक है, ठीक, ऐसे में दाम्पत्य जीवन का जो वास्तविक सुख है, चरम सुख है, उसके भोग में ये अड़चनें पैदा करता है, जल्दी से उसके भोग को नहीं देता है, तो शादी में देरी होने का संकेत यही देता है, ठीक। जब इसमें जाल होता है तो व्यक्ति किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहा होता है, चिंताएं भी कर रहा होता है, और जीवन में बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद भी
उसकी दृष्टि से पूर्णता नहीं आती है, अभाव की स्थिति बनी रहती है। लाख प्रयास करने पर सारे साधन होने के बावजूद भी जो सुख की अनुभूति होनी चाहिए उसमें कमी रहती है। अब आपने शुक्र का क्या उपाय करना, कुछ नहीं करना है। ये अपनी जगह पे शानदार स्थिति में है और अच्छे फल देने की ओर एकदम तत्पर है, आपको इसको ठीक करना है जिससे इसके फल आपको मिले। और इसको ठीक करते ही ये ऑटोमेटिक तरीके से अपना फल देगा, ये वीनस है। कभी आप अगर जो है आसमान में, ब्रह्मांड में जो है टेलीस्कोप के माध्यम से देखें शुक्र को, वीनस को, तो ये सोने के जैसे चमकता है, ये चमकदार ग्रह है। ये जैसा सोना चमकता है ना, उसकी लाइट पड़ती है ना, वैसे ही ये वीनस है शुक्र। और शुक्र का मतलब सुख। शुक्र क्या है, एक दैत्य ग्रह है, ठीक है ना। दैत्य का मतलब उसका गुरु है, दैत्य गुरु, लेकिन ये भगवान शंकर का जो है शिष्य है, देवादिदेव महादेव की ये शिष्य है। और ये हमेशा भोग और ऐश्वर्य को देने वाले हैं, ये लग्जरी को देते हैं, ठीक है ना। ये आपके जो है जो भी जिस प्रकार के भी भोग हैं, ऐश्वर्य है, जो आपका जो है परमानंद की अनुभूति है इस भौतिक जगत में, ये उन चीज़ों को देते हैं। तो इसका सुंदर होना बहुत ज़रूरी होता है एक सुखद जीवन के लिए। तो ये बहुत अच्छा है, तो आगे बहुत ज़बरदस्त फल मिले, तो इसके लिए आपको ये ठीक करना है। बाकी आपकी ये तो बहुत अच्छी है, शानदार है। अब एक चीज़ का ध्यान रखना है आपने, क्या है, आपकी करियर और धन की रेखा एकाएक किस पे मिल रही है, मस्तिष्क रेखा पे मिल रही है, आगे नहीं बढ़ रही है। इसका मतलब है कि आप अपने जीवन काल में मस्तिष्क से ऐसा निर्णय ले सकती हैं कि वो निर्णय आपके डेवलपमेंट को, आपकी प्रोग्रेस को बाधित कर सकती है, और फिर उस डेवलपमेंट को पाना, उस प्रोग्रेस को पाना मुश्किल हो सकता है, अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार सकती है। तो ये ना हो, इसके लिए क्या करना है, आपने अपने इष्ट देव, आपके इष्ट कौन है, आपके इष्ट ये लकीर बता रही है हनुमान जी हैं। अब आप कहेंगे कि मैं तो शिव की पूजा करता हूँ, शिव को मानता हूँ, क्योंकि हथेली में शिव और माँ पार्वती दिखाई दे रही, माँ का कोई भी रूप, हनुमान जी तो दूर दूर तक नहीं है। लेकिन अगर आप वास्तव में हनुमान जी के प्रति समर्पण की भावना रखें, इष्ट की तरह उनको, उनकी पूजा करें, तो आपके जीवन में किसी भी चीज़ में कोई कठिनाइयाँ नहीं आएंगी और जीवन में जो सर्वोत्तम गुण है उनकी पूर्ति होगी। ये आपकी हथेली कह रही है। और देखिएगा, आपको अपने जीवन काल में अपना घर मिलना ही मिलना है, अपनी संपत्ति प्राप्त होनी ही होनी है, ये दिखाई दे रही है, और वो भी बड़े रूप में, और धन की अच्छी स्थिति भी आनी है। दूसरी बात है, ये जो लकीर है सफलता जरूर मिलेगी बता रही है, आयु बहुत बढ़िया रहेगी, जीवन में खूब तरक्की पाएंगे और बोलने के ढंग के कारण भी जीवन में धन कमाएंगे, ये भी दिखा रहा है। मस्तिष्क रेखा अपने आप में आपके अंदर की क्रिएटिविटी, एक अच्छी यात्रा और आपका बौद्धिक स्तर शानदार रहेगा, उसको दिखा रहा है। आगे चलकर कम से कम आप 38 ईयर से देखेंगे तो भाग्य के साथ आपकी जीवन आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और फिर कहीं ना कहीं जो है, जो तरक्की है जीवन की, वो जन्म स्थान से दूर दिखाई दे रही है, जन्म स्थान में रह के तरक्की नहीं दिख रही है। तीसरी बात देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये आपको भाग्यशाली बना रहा है। ऐसी स्थिति आएगी, आपका कोई काम नहीं रुकेगा, कहीं ना कहीं से व्यवस्थाएं हो जाएंगी, आपका काम चल जाएगा, ये इन चीज़ों को स्पष्ट तौर पे बता रही है। और दूसरों का सहयोग भी बहुत अच्छे रूप में आपको मिलने वाला है, इस रूप को भी दिखा रहा है। यहाँ पे आपको देखें तो बहुत बड़ी जो है आपके अंदर कल्पना शक्ति भी रहेगी, लिखने की आपके अंदर जो है रचनाओं को करने की ताकत भी रहेगी, ये दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ये अगर हम देखें स्पष्ट तरीके से तो बड़ा सम्मानजनक चीज़ें दिख रही है। एक तो भावुकता आपके अंदर, दया वाला व्यक्तित्व तो बहुत ज़्यादा रहेगा, देवता के समान जो है
व्यक्तित्व है, लेकिन धीरे धीरे महत्वाकांक्षाएँ बहुत बड़ी रूप में आ रही है। सोच भी एकदम पॉजिटिव स्थिति में रहेगी बहुत आगे बढ़ने की, इच्छा भी कहीं ना कहीं जीवन में टॉप लेवल तक पहुंचने की रहेगी, और इसके लिए एन के इन प्रकारेण जो भी आपसे हो सकता है वो आप करेंगी भी, ये स्पष्ट तरीके से यहाँ पे दिख रहा है। ये आपकी हथेली की कुछ चीज़ें थी। यहाँ पे देखेंगे तो ये एकदम सुंदर है, इसका मतलब है कि कभी भी कार्यों में कोई कायरता नहीं आएगी, बहुत अच्छी मेहनती है। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा बहुत अच्छी रहेगी, अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा बहुत अच्छी रहेगी, धन कमाने की ललक जबरदस्त रहेगी, यहाँ तक नाखून बढ़ाएं तो और भी इसमें इजाफा होगा और बहुत सारी चीज़ें रहेंगी। बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, बुद्धिमत्ता बहुत अच्छी है, एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी बना रहेगा। तीन रेखाएं स्पष्ट हथेली में हैं। पूर्व जन्म में बहुत उच्च और पुण्य कर्म किए हैं जिसकी वजह से मनुष्य योनि प्राप्त हुई है, वो भी मातृशक्ति के रूप में हुई है, प्रकृति देवी के रूप में हुई है, इसका लाभ बहुत अच्छा मिलेगा। एक तो नॉलेज बहुत अच्छी रहेगी जीवन में, विद्या बहुत अच्छी है चाहे किसी भी प्रकार की हो, और दूसरा आपके जीवन में धन की स्थिति बहुत शानदार रहेगी, और इसकी स्थिति आएगी 38 के बाद से जीवन में निश्चित तौर पे ये दिखाई दे रहा है। हाँ, थोड़ा बृहस्पति का ज़रूर उपाय करें और थोड़ा सा जो है करियर और धन की रेखा का भी उपाय करें, लेकिन आप बृहस्पति और शादी का उपाय करें, बाकी सब ठीक हो जाएगा। निम्न मंगल और उच्च मंगल दोनों बहुत अच्छे हैं, जीवन में पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा और एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। शनि की स्थिति भी बहुत अच्छी है, कोई ख़राब नहीं है। सूर्य भी आपका बहुत अच्छा है, यहाँ पे जो लकीर दिखाई दे रही है ये आपको प्रसिद्धि दिलाएगी, प्रतिष्ठा दिलाएगी, धन दिलाएगी और कहीं ना कहीं एक शानदार व्यक्तित्व को उभारेगी, ये स्पष्ट दिख रहा है। आपका बुद्ध बहुत अच्छा है, वाणी की ताकत बहुत अच्छी रहेगी। त्वचा का मालिक है तो तन की बहुत खूबसूरत स्थिति बनी रहेगी और कहीं ना कहीं ऐश्वर्यमय जीवन भी व्यतीत होगा, ये इसको दिखा रहा है। लेकिन योजनाबद्ध तरीके से काम करें तो ज़्यादा लाभ होगा। चंद्रमा की स्थिति भी बहुत अच्छी है, आगे चलकर आपका मन मजबूत रहेगा, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा रहेगा, शरीर का हार्मोनल सिस्टम भी बढ़िया रहेगा और माँ होंगी तो जीवन में माँ का सुख भी भरपूर मिलेगा। क्रिएटिविटी आपके अंदर बहुत अच्छी रहेगी, सकारात्मक सोच रहेगी और छल कपट से दूर रहेंगे। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है और उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ। आप करने की कोशिश करें, निश्चित ही आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। इस वीडियो में बस इतना ही, एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।